बंधन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा कौ प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास याही कुल ते प्रगट होए ताही कुल को नाम पुन द्वादश गुरिंड कौ मेरी है प्रणाम। परम सत्कार योग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई सात संगत जीओ अपनिया मन बिरतियां नू एकागर करन दे लई रसना नू पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे सी। इतिहास दे विच प्रसंग चल रहा सी हर गोविंद जी दे व्याह दा। प्रसंग इत्थों तक पहुंच चुका है कि बरात हुण डल्ले पिंड तों वापस अमृतसर दे वल आ रही है। रस्ते दे विच जदों बरात खडूर पहुंची दातू ने बेनती की कि सच्चे पातशाह एक रात इत्थे रुको। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि जांदी वारी तेरे कोल रुक गया सां हुण सानू अगे जाण दे। इस तों बाद दातू कहिंदा जी कृपा करके कम से कम प्रसाद पानी छक के जाओ। सतगुरां ने उसकी बेनती नूं प्रवान किया। उसने प्रसाद पानी तैयार करके रख्या ते सारिआं ने छकिया। कल इथों तक कथा पहुंची सी अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। श्री गोरे अंगद मंदर को अभिमंदन करके गमने अगवाई। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी की जगह नू नमस्कार करके फिर उथों अगे गए। सांगलियो निज दातू चलियो आत्मोद बढ़ावत सब मैं थाई। दातू भी नाल ही खुशी दे नाल चलिया है। कहिंदे के हर एक जगह दे उत्ते मानो के मोद छाया खुशी छाई। उलंग पांथ पहुंचत पाए तारन तारन स्थान उतरे जाए समूहत है श्री अर्जन गुण खान। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि रस्ते नू लंघते हुए आखिरकार चलद्या चलद्या तरन तारण की जगह ते पहुंच गए ने। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे समेत सारिआं ने उत्थे डेरा किया। दीन सब पकवान सो खान को वाहन को मन खुलायो। उत्थे सारे दे सारे जिहड़े पकवान सी सारिआं नू छकण दे वास्ते दित्ते गए ने। इस तों इलावा जिहड़े घोड़े ते बैल सन उन्हां ने भी मन पाउंदा चारा चारिआ गया। रैण बिखे कर सैन परे सुख संग तहां सब काल बितायो। रात दे वेले सुख दे नाल विश्राम किया। उस रात नू सुख दे नाल बतीत किया। प्रात उठे कर मजन तीरथ दान दियो जो मांगन आयो। सवेर नू उठ के इशनान पानी किया है जिहड़ा कि उत्थे तीर्थ सतगुरां दे वल्लों बनाया गया। बहुते सारे मंगतियां नू दान दिता गया। ग्रामण के पुर के मग के नर रंकण को तन दे हरसाए। पिंडां दे विच शहरां दे विच रस्ते दे विच जिहड़ा भी कोई कंगाल गरीब मिलदा है उहनू खुशी दे नाल तन दिंदे ने। धुंद बदीर कतौंस बजी सज
वाहन त्यार पाए सब चाले। छोटे तोसे ते नगारे वजाए गए ने, सारे वाहन त्यार होके चल पे। केतक संयंदन जात पलावत, केतक बाजी कुदाए बेसाले। कई जड़े बराते ने वह अपने रथा नू मानो के दड़ाउंदे जांदे ने, ते कई जड़े घोड़िया दे उत्ते सवार ने वह घोड़िया नू भजा के जा रहे ने। केतक बैलन की बहल बहो, दौरत है तन प्राकर्म वाले। इस तो अलावा कई बैल गड्डिया दे विच जा रहे ने, वह अपने बौलदा नू भजा रहे ने। बड़े पराक्रमी जड़े बड़े ताकत वाले बौलद ने ना, वह दौड़ते ने। घुंगर की छनकार महातुन बादत की मिलकै तिस नाले। जदों बैल गड्डियां दौड़दियां ने ते जिहड़े बैल ने जिहड़े कि उन्हां गड्डियां नूं खिंच रहे ने, उन्हां दियां गलां दे विच घुंगरां दी माला पाई हुई है, जिहड़ी कि दौड़न दे नाल उच्ची धुन दे नाल पुकारदी है, वजदी। हास बिलास प्रकाशत है मिल, आपस में मन मोद यो पाए। एक दूजे दे नाल सारे दे सारे बराती हासे दियां गल्लां मखौल दियां गल्लां करदे जांदे ने। मन दे विच हर इक दे बहुत ही ज्यादा मोद है, बड़ा चाह। मार्ग दूर यो लंग गए नहीं, जान पर्यो पुर के नियर आए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने के राह निबड़दा जाणिया ना गया, छेती ही रामदासपुरे दे नेड़े आ पहुंचे। पता ही नहीं लगा कि रस्ता किवें तय हो गया। डोरे को आगे कर गम ने, हर गोविंद दूलो शोभ वधाए। दमोदरी जी दे डोले नूं अगे कीता होया, उस तों पिछे हर गोविंद जी दूला जिहड़े ने जिहड़े लाड़े ने उह शोभा वधा रहे ने। आए सुदासुर तीर गए तब, बादत की धुन ऊच उठाए। जदों अमृतसर दे बिलकुल लागे आए ते फिर उच्ची धुन दे नाल जिहड़े नगारे से उन्हां नूं वजाया गया। महादेव मोहरियो मोहन सुदातु साथ, ब्रिद गोरदास ते मसंद ब्रिंद आवहीं। महादेव जी, मोहरी जी, मोहन जी, दातू जी, बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी, बहुत सारे वसंद आ रहे। सेवक यो सिख हर खाए देख देख पुर, आनंद बिलंद तेना अंगन मैं मामही। सारे सिख सेवक अपनी पुरी नू अपनी नगरी नू देख के बहुत ही ज्यादा वड्डे खुश हो रहे ने। मन नू कि जिहड़ी खुशी है ना, वह किसी के भी अंगा दे विच समाउंदी नहीं। पट हण मटोव धुंदव नफीरी, जो तौसा की तो गारे आदि आदिक उठावही। मानो के ढोल नगारे नफीरिया सारे जिहड़े वाजे ने उन्होंने उच्ची धुन दे नाल एक बार फिर खड़काया गया। सोनी धुन गंग पाई आनंद के संग, उठी हृदय ते उमंग साज मंगल बिसाल को। बरात दे आने की जिहड़ी खबर है वह माता गंगा जी नूं मिली है, मानो के बहुत ही ज्यादा आनंद दे विच होए ने। उसे वेले उमंग नूं हिरदे दे विच धारण करके उठ पए ने। साज मंगल विसाल को, मंगलां दा जिहड़ा साजो समान सी ना उह इकट्ठा कीता। ब्रिंद की ने अंगन सो अंगन मैं अंग शुभ, अंग में न मेवे नहीं दुख मोद जाल को। बहुत सारियां जिहड़ियां औरतां ने उह इकट्ठियां कीतियां गईयां ने। कहण तो पावे है कि कठियां कीतियां सोने अंगां वालियां इस्त्रियां वेड़े दे विच। अंगन में मेवे नहीं देख मोद जाल को, भाव के माता जी अंगां दे विच म्योंदे नहीं हन सारे आनंद नूं वेख वेख के। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, दातू दारा मोहन और मोहरी की दारा संग। दातू दी दारा भाव के दातू जी की घरवाली है, मोहन ते मोहरी जी दियां घरवालियां ने, इस तों इलावा होर भी इस्त्रियां ने। कौन कौन मिली गन बाल को, कवि जी लिखते ने कि कौन कौन इस्त्रियां उन्होंने होर मिलियां, मैं कितों तक लिख के बयान करा। देत है वधाई लेत सौ गुणी चढ़ाए सीस, सब उमावत देख बदू लाल को।
मन के वधाइया औरत ने माता गंगा जी ते सौगने रूप दे विच उन्हां वधाइयां नूं प्रवान करदे ने गंगा जी। इस तों इलावा सारियां इस्त्रियां दे मन दे विच इह चाह है कि मानो असीं नवीं वहुटी नूं देखी। डर तन वार वार श्री गुरु उदार चित मिले नर नर मोद तारपुर बरे हैं। बहुता सारा धन वरखाया गया है, बार बार सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने उदार चित दे नाल धन सुटिया है। बहुत सारे स्त्री पुरुष खुशी नूं धारण करके मिल रहे हैं। सुजस पसार कर जोरी करी द्वार निज गंग ने निहार सुत रीत गन करे हैं। जस नूं फैला के मानो के जोड़ी दा प्रवेश कराया गया है। गंगा ने निहार सुत रीत गन करे हैं। उस वेले गंगा जी ने वेख के अपने नूं पुत्र नूं जिहड़ियां मर्यादावां सन जिहड़ियां रीतियां सन उन्हां नूं पूरा कीता। सहत सनुख लीन जोख ताको पुंज संग बंधन के हित हर मंदिर को मुरे हैं। नूं ते पुत्र नूं नाल लै के माता गंगा जी मानो के सारियां तों पहलां नमस्कार करन दे वास्ते हरि मंदिर दे वल चले गए। त्यागे असवारी लय मोदक कोथार पार सागरी पधारी गीत गाए प्रीत तरे हैं। सारिया ने आपो अपनिया सवारियां नूं छड्या है। बहुत सारे जिहड़े लड्डूआं दे थाल सी ओ भरे गए ते औरतां गीत गाउंदियां ने प्रीत नूं धारण करके। सण सण गए संग पदत बजाए गन जाचक जो आए तन पाए हर खाए कै। हौली हौली वाजियां नूं वजाउंदे होए हरि मंदिर दे विच पहुंचे ने। बहुते सारे जिहड़े जाचक ने जिहड़े मंगते ने ओह धन नूं पा रहे ने खुशी दे नाल। तीर्थ के तीर पर भई बहु भीर तहां वंदना करत नर नारी सीस न्याय है। जिहड़ा तीर्थ है पाव के जिहड़ा अमृत सरोवर है उस दे दुआले दुआले बहुती सारी लोकां दी भीड़ जुड़ गई है। मानो के बहुत सारी स्त्रियां पुरुष सिर निवान वा के नमस्कार कर रहे हैं। अंतर प्रवेश होए सेत पे गमन करे थेरे हरि मंदिर अगारी और पाए कै। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने के फिर हरि मंदिर दे अंदर प्रवेश किया है पुल दे राहीं, क्योंकि आपां देखदे हां कि हरि मंदिर दे विच जेकर जाना होवे ते पुल दे राहीं लंघ के जाना पैंदा क्योंकि सारे पासे पाणी है। कवि जी लिखते ने कि जिहड़ा पुल बनिया होया उस दे उत्ते चल के हरि मंदिर दे अंदर प्रवेश किया। देकर दरब यार दस को करायो खरे जोर जोग हाथन को बंदे पाल लाए कै। बहुते सारे पैसे रख के फिर अरदास करवाई गई है। सारिया ने हाथ जोड़ के अपने मत्थे नूं रख के नमस्कार कीते। बांट के प्रसाद आही लाद के अगारी कर दीन है प्रदक्षिणा फिरे सो चार बार हैं। फिर जिहड़ा प्रसाद सी उस नूं खुशी दे नाल सारिया दे विच वरता दिता ते अपने नूं ते पुत्र नूं अगे करके माता गंगा जी ने फिर चार बार उस हरि मंदिर दे दुआले प्रदक्षिणा कीती। सत गुरु रामदास चरण मनाए चले अपने सदन को अनेक नर नार हैं। इस तरीके दे नाल मानो के सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे चरणा नूं मना के उन्हां दा पूजन करके आपो अपना घरां दे वल सारे चले गए। बादत बजत अग गावत्री पाछे लागे सावन मझार जोरी शोभत उदार है। अगे ते पिछे वाजे वजदे ने। मानो के जिहड़ियां औरतां ने कुछ अगे ने ते कुछ पिछे ने, जिहड़ी जोड़ी है लाड़े ते लाड़ी दी उह विचकार शोभा पा के जा रही है। चित्रा के समेत चंद आनंद बिलंद कर पूज देव गुर को चलत मने चार है। मानो के चंद चंद्रमा दी स्त्री सने मानो के सारे पूजा करके बृहस्पति दी जा रहे। देव की मनिंद श्याम कान सत भामा जुत मानो कुल बड़ो पूज जात निज द्वार है। इस तो इलावा केंद्रे के मानो देव की कृष्ण जी दी जो माता है ओ मानो के अपने पुत्र कान श्याम भाव के कृष्ण जी दे नाल जा रही है
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵ ਕੇ ਸੱਤ ਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੰਦ ਮੰਦ ਗਮ ਨਤ ਗਏ ਨਿਜ ਮੰਦਰ ਕੋ ਸੁੰਦਰ ਫਰਸ਼ ਜਹਾਂ ਆਸਣ ਉਦਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਸੋਹਣੇ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਹਿਤ ਸਨੁਖਾ ਸੁਥ ਹੀਰਤ ਹਰਖਤ ਚਿੱਤ ਗੰਗਾ ਕੋ ਆਨੰਦ ਕਿਮ ਕਰੇ ਕੋ ਉਚਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵੀ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਗਰੀ ਬਿਠਾਏ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਹੁਤੀ ਕੁਲ ਰੀਤ ਸਭ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਧਾਰ ਹੈ। ਯਥਾ ਯੋਗ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਮੰਗਲ ਸੰਗ ਤਬ ਕਰਤ ਨਿਛਾਵਰ ਨੰਦ ਅਪਰ ਸਰਬ ਤੇ ਉਠੀ ਕਰੀ ਖਰਚ ਦਰਬ ਬਿਲੰਦ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਨੇ ਵਾਰੇ, ਅਪਰ ਸਰਬ ਤੇ ਉਠੀ ਕਰੀ ਖਰਚ ਦਰਬ ਬਿਲੰਦ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉੱਠੀ। ਪਿਖਨ ਸਨੁਖਾ ਮੁਖ ਕੋ ਲਾਗੀ ਹਿਰਦਾ ਆਨੰਦ ਭਰਿਓ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪਾਇਓਲ ਮੈਂ ਧਨ ਕੀ ਥਾਤੀ ਅਵਿਲੋਕਤ ਪਈ ਸੀਤਲ ਛਾਤੀ। ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਵਿਲੋਕਤ ਪਈ ਸੀਤਲ ਛਾਤੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਪੌਣੀ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕਰ ਸਗਰੀ ਦਾਰਾ ਜਥਾ ਉਚਿਤ ਚੋਰੀ ਧਨ ਡਾਰਾ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ। ਪਿਖਤ ਬਧੂ ਕੋ ਮੁਖ ਹਰ ਖਾਈ ਕਰੈ ਸਰਾਹਣ ਸੁੰਦਰ ਤਾਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੇ ਅਲੀ ਗੰਗਾ ਕੇ ਬੜ ਪਾਗਾ ਜਿਸ ਕੋ ਜਗ ਗੁਰ ਹੈ ਸੁਹਾਗਾ। ਨੂੰਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਸਖੀਓ ਦੇਖੋ ਗੰਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਭਾਵ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ। ਬਹੁਰ ਪੁੱਤਰ ਜਨ ਚੰਦ ਅਮੰਦੂ ਕੋਈ ਅਸਤਰੀ ਪਿਖ ਵੈ ਨਾ ਅਨੰਦੂ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੁਹਾਗ ਗੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਨੇਕ ਅਲੰਕ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਐਸੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਤੇਹ ਸੁਤ ਸੰਗ ਸਨੁਖਾ ਸੋਹੀ ਰਾਮ ਚੰਦ ਜਨ ਸੀਤਾ ਹੋਹੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਤੇ ਸੀਤਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜੋੜੀ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਕਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਿਸਾਲਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਚਿਰਾਂ ਕਾਲ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ, ਵਸਦੀ ਰਵੇ, ਹੱਸਦੀ ਰਵੇ, ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਤਸਵ ਜਥਾ ਜੋਗ ਕਰ ਗੰਗਾ ਸਭ ਕੋ ਸਨਮਾਨਤ ਹਿਤ ਸੰਗਾ। ਜਥਾ ਯੋਗ ਗੰਗਾ ਨੇ ਬੜਾ ਉਤਸਵ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਨਾ ਭਾਂਤਨ ਬਣਿਓ ਆਹਾਰਾ ਸੂਖਮ ਚਾਵਰ ਦੌਣ ਪ੍ਰਕਾਰਾ।
कवि जी लिखते ने कि अनेक प्रकार के जेड़े भोजन सन वह बनाए गए सन, इस तो इलावा जेड़े चौल ने वह दो तरह के बने हुए सन। मदर सलवन सोमेवा डाले गरीब बदामन छील बिसाले, लूण वाले चौल ते मिठे चौल दोवें तरह के बनाए गए सन, मानो कि उन्होंने गिरिया मेवे डाले हुए सन। गरीब बदामन छील बिसाले, बदामा दियां जो गिरिया ने वह भी छिलके पाईया सन। पिस्ता स्वाद सामगी पाए पूरी कर कचौर समदाए, पिस्ता पाया गया सी, इस तो इलावा सौंगी पाई गई सी, दूसरे पासे कहिंदे ने कि पूरियां ते कचौरियां भी बनाईयां गईयां सन। बरे पकौड़े दद मैं डाले धनिया मिर्च अनेक मसाले, इस तो इलावा वड़े ते पकौड़े दही दे विच पाए गए सन, इस तो इलावा दही दे विच धनिया मिर्च अनेक ही मसाले भी मिलाए गए सन। नर नारन को रुचर हारा सादर कह कह सबन खुवारा, स्त्रियां पुरुषां सारियां नूं रुचि वाला जरा आहार से जरा प्रसाद पानी से वह स्वादमयी छकाया गया। त्रिपत होए पी चाहत खायो असन सुयस स्वादल मन पायो, ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि पकवान इन्ने ज्यादा स्वादमयी बने हुए सन, मानो के खा के भी होर ज्यादा खाण नूं जी करदा सी, भाव के चित नहीं सी करदा कि हटिया जावे, इन्ने स्वाद वाले भोजन बने हुए सन। सबके वाहन को दे दाना त्रिण गण दई निहारी खाना, इस तो इलावा जिहड़े सारे असवारियां नूं खिचण वाले बैल सन जां घोड़े सन, उन्हां नूं दाणा पट्ठा चारिया गया है, दई निहारी खाना, इस तो इलावा निहारी भी खवाई गई। छोलियां दा आटा ते गुड़ आदिक मिला के घोड़ियां नूं जिहड़ा दिंदे ने ना उहनूं निहारी आख्या गया। दास अनक यार सगल मसंद सब की सेवा करें बिलंद, सतगुरां दे दास ते बहुत सारे जिहड़े मसंद ने वह सारियां दी वड्डी सेवा कर रहे ने। जो जिस चाह दई तेह सोई हृदय काम पूरत सब कोई, जो जिसनू लोड़ींदा सी ओही इन्हां दासां ते मसंदां ने पहुंचाया, हर इक दे हृदय दी जिहड़ी कामना है ना उसनू पूरियां कीता। खान पान सन मान महाना परी रैन सुपते निज थाना, खान पान करके सन्मान दे नाल सारिया नूं रख्या गया, रात पई ते फिर सारे दे सारे सुते। श्री अर्जन सुध सब की सुनके भई सेव तृपते गण गुणके, मानो के सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नूं इह खबर मिली है कि सारिया दी सेवा भली प्रकार दे नाल कीती गई। सुपते सब हिन ते पश्चाती तिम अंतर गंगा हर खाती, फिर सारियां दी खबर साल लैण तों बाद सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी विराजे ने इसे तरीके दे नाल मानो के गंगा भी बड़ी खुश है। अदासी गण को प्रेरण करती खान पान सब की सुध धरती, अपनियां दासियां नूं कह कह के प्रेरणा करके सारिया दे खान पीन दी उसने भी सुध ले। बहु सनेह ते नुखा बिठावे कह कह बर भोजन को खावे, बड़े सनेह दे नाल बड़े प्रेम दे नाल अपनी नूं नूं अपने लागे बिठाउंदी है ते आ खा के भोजन खवाउंदी। पुने अपने टिग सहजा सुंदर करी डसावण अंदर मंदर, जदों सौण दा समा होया ते फिर माता गंगा जी ने अपनी नूं दी जिहड़े सहजा सी सुंदर उसनूं अपने लागे ही अपने कमरे दे विच डवा लिया। लेकर निकट आप तब सोई नुखा बेलोखत हरकत होई, अपनी नूं नूं दे के माता गंगा खुश होई है ते अपने लागे ही उसनूं समाया। हर गोविंदर बर इंद मनिंदा पित समीप पौडे सुख कंदा, एक पासे दमोदरी जी
अपनी सस दे नाल विराजे ने सुते ने ते दूसरे पासे हरगोबिंद जी मानो के जो इंद्र वर्गे सोने ने वो अपने पिता सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे लागे विराजे। महादेव निज घरों सिधारा सब कुटुंब हित पठियो आहारा। महादेव जी निज घरों सिधारा अपने घरों चले ने सब कुटुंब हित पठियो आहारा। सारे परिवार दे वास्ते आहार कल्या भोजन कल्या। मोहन अपर मोहरी दातू खान पान सुपते हर खातू। मोहन जी और इस तो अलावा मोहरी जी और इस तो अलावा दातू जी सारिया ने मानो के खुशी दे नाल खान पान कीता। अपर सिख संगत नर नारी ब्रिंद मसंद करत जे कारी। इस तो अलावा होर जेड़े सिख सेवक सन जेड़ी संगत सी स्त्रियां ते पुरुषां दी इस तो अलावा जेड़े वड्डे वड्डे मसंद सन उन्हां ने सारे कार्ज नूं सांभे। दासी दास सबन सुख पाए निज निज थान सकल सुप ताए। दासियां ते दासां ने सारिया ने सुख की प्राप्ति की ते फिर आपो अपनी जगह ते जाके सुते। जाम जामनी जागे नाथ मोहन मातल लीन ससात। पहर रात रहिंदी दे नाल सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी जागे ने ते अपने मामे मोहन नूं अपने नाल लिया। सौ चाचार करे बिद सारी प्रथम नहाए कूप के बारी। कहिंदे ने के बाहर जंगल मैदान अपने मामे मोहन जी दे नाल सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी गए ने। इस तों बाद आण के खूह दे उत्ते नाते। सुधा सरोवर जाए शनाने पुन पहुंचे हरी मंदर थाने। खूह तों नहाउण तों बाद फिर अमृतसर सरोवर दे विच आण के शनान कीता ते फिर हरी मंदर दे विच चले गए। बैठत पए सो सभा सुधार गावन लगे सो आसा वार। सभा नूं सुधार के सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी बैठ गए ते दूसरे पासे जड़े रबाबी सन उन्हां ने आसा जी दी वार दा कीर्तन शुरू कीता। ब्रिद जुत आए गयो गुरदास बैठे ब्रिंद मसंद पास। बाबा बुढ़ा जी आ गए ने। इस तो अलावा भाई गुरदास जी पहुंचे ने होर भी सारे मसंद उत्थे पहुंच गए। उमर शाह भाई कल्याणा बौसिक करें दर्श को आना। उमर शाह जी भाई कल्याणा जी इस तो अलावा होर भी जेड़े मन्ने परमन्ने गुरु घर दे सिख सन उन्होंने आके दर्शन किया। आनंद आनंद मोहरी संग संस राम जुत हृदय उमंग। मोहरी जी भाव के अपने आनंद पुत्र दे नाल ते दूसरे पासे संस राम दे नाल पहुंचे ने। आए सभा दरबार लगाई हेरत सुनत सर्व हर खाई। सभा दे विच दरबार दे विच सारे दे सारे बैठे ने एक दूजे नूं देख के खुश ने। प्रात होत को पायो भोग सिर निवाए तब सब हूं लोग। जदों ही सवेर होई ते फिर आसा जी दी वार दा भोग पाया गया। सारिया ने अरदासे तो बाद सिर नवा के नमस्कार कीते। आद ग्रंथ साहिब जब आयव सगले उठे सन्मान बधायव। आसा जी दी वार दे भोग तो बाद फिर आद दी बीड़ नूं लियांदा गया। जदों बीड़ नूं लियांदा गया ते सन्मान दे वजों सारे उठ के खड़े हो गए। श्री मंजी पर खोलन कीन पठन हेत गुर आयस दीन। मंजी साहिब दे उत्ते प्रकाश कीता गया आदि ग्रंथ दी बीड़ दा ते फिर पढ़न दे वास्ते वाक लैण दे वास्ते सतगुरां ने आग्या दित्ती। ब्रिद ने तब बांची गुरबाणी जिसमें हंता ममता हानि। क्योंकि बाबा बुढ़ा जी नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ग्रंथी स्थापित किया है। इस करके बाबा बुढ़ा जी ने फिर आदि दी बीड़ नूं खोल के उहदे विचों वाक लिया। कवि जी लिखते ने कि ऐसा गुरबाणी का शब्द सामने आया
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਤਾ ਮਮਤਾ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਛੰਤ। ਤਿੰਨ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸ੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਿਆ ਰਾਮ, ਸੇ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਰਸਨਾ ਭਣਿਆ ਰਾਮ, ਸੇ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੇ ਗੁਣੋ ਅਮੋਲੇ ਜਗਤ ਉਦਾਰਨ ਆਏ, ਭੈ ਬੋਹਿਤ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਾ ਕੇਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ, ਜਿਨ ਕਹੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਤਿਨਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣਿਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ, ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸ੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਸੁਜਾਸ ਮਹਾਨਾ, ਕਹਿ ਸੰਤਨ ਕੋ ਕੀਨ ਬਖਾਨਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਖਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦਿਕ ਨਮਰਤਾ ਜਿਨ ਹੰਕਾਰ, ਸਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸੁਖਕਾਰ। ਮੰਨੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਕੋ ਤਿਆਗਨ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕੋ ਲਗਨ। ਮੰਨੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਬਹੁ ਬੈਰਾਗ ਜਗਤ ਤੇ ਕਰਬੋ, ਸੰਤਨ ਸੇਵਨ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਬੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਗ ਹੋ ਕੇ ਰਵੋ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਧਰ ਜੀਵਨ ਜਾਲ, ਅਸ ਜਹਾਜ਼ ਕੀ ਨਸ ਕਲੀ ਕਾਲ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਨੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਐਸਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਮੋਹਨ ਦਾਤੂ ਤਵ ਸ਼੍ਰੋਣ, ਭਰੇ ਹਰਖ ਕੁਛ ਠਾਨੀ ਮੌਣ। ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਰ ਸਰਾਹਣ ਲੱਗੇ ਬਿਸਾਲਾ, ਸੋਡੀ ਪੰਥ ਸੁਕੀਨ ਉਜਾਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਡੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੋ ਕਰੇ ਮਹਾ ਉਪਕਾਰੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਲ ਮੈਂ ਮੰਦ ਉਧਾਰੇ। ਮਾਨੋ ਕੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਨ ਬੈਠ ਬੋ ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਅਨਕ ਲਾਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਹਿਲਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਗੁਰਨ ਕੋ ਸੁਜਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਵਿਸਥਾਰਿਓ ਸਭ ਮੈਂ ਚਹੁ ਪਾਸਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀੜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫੈਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓ ਜਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਦਰਸਾਵੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਣ ਸੁਣਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਅਵਨੀ ਮੰਡਲ ਗਿਰ ਲਗ ਸਾਗਰ, ਪੁਰ ਪੁਰ ਕਰ ਕਰ ਹੋਏ ਉਜਾਗਰ। ਮਾਨੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨੋ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਤੱਕ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਕੇਰੋ, ਇਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਿਧ ਵਧੈ ਵਧੇਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਤੀਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਚੌਂ ਦਿਸ਼ਕੇ ਨਰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰ ਧਰ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਇਹ ਸੁਮੱਜਨ ਕਰ ਕਰ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪੁਣ ਭਾਣੀ ਉਹ ਸੁਣਾਇਓ, ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ਤੇ ਬਣ ਆਇਓ।
उस वेले सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने बचन किया केंद्र ने के सारा कुछ जो भी बनया है ना ये तुहाडे वड्डियां दी कृपा दे नाल ही पूरा होया। भाई 71 सकल गुरबाणी सिरजियो तीर्थ कलमल हानी। हे मामा मोहन जी सारी दी सारी जिहड़ी गुरबाणी है ना ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਭਾਇਓ ਆਧਾਰ ਹੋਹੇ ਭਵਿਖਤ ਬਿਖੇ ਅਪਾਰਾ। ਮੰਨੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਸਰਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏਗੀ। ਮਿਟੈ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਇਹਨੂੰ ਅਲੰਬ ਗੁਰ ਕੋ ਮਨ ਸਦਾ ਕਦੰਬ। ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰ ਕੋ ਮਨ ਸਦਾ ਕਦੰਬ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਜੋ ਨਰ ਹਿਤ ਤਰ ਸੁਣੈ ਸੁਣਾਵੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਿੰਨ ਕੋ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਜਾਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਜੈ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਲੱਖੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਹਰਖੇ ਸਾਰੇ ਕਰੇ ਸਰਾਹਣ ਸੁਜਸ ਉਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਰੇ ਸਰਾਹਣ ਸੁਜਸ ਉਚਾਰੇ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਸ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਤਹ ਬੈਠੇ ਆਇਓ ਪੁਨ ਸਭ ਹਿਨ ਤਹ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ। ਉੱਠ ਗਮਨੇ ਪ੍ਰਦਕਸ਼ਨਾ ਧਾਰੇ ਲੀਨੇ ਸੰਗ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਕਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਬਹੁਰੋ ਵਹਿਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਫਿਰੇ ਪੌਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਬੰਦਨ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਦਕਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਹ ਤੇ ਚੱਲ ਨਿਜ ਘਰ ਕੋ ਆਏ ਮੋਹਣ ਯਾਦ ਸੰਗ ਸਮੁਦਾਏ। ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੋਹਣ ਆਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਥਾਨ ਬੈਠ ਬੋ ਕੋ ਤਹ ਗਏ ਸਰਵ ਜਥੋਚਿਤ ਥਲ ਫਿਰ ਪਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਥੋਚਿਤ ਥਲ ਫਿਰ ਪਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬਹੁ ਸਵਾਦਨ ਜੁਤ ਬਣਿਓ ਆਹਾਰਾ ਧਰ ਧਰ ਥਾਰ ਸਭਨ ਕੋ ਖੁਆਰਾ। ਬੜਾ ਸਵਾਦਮਈ ਪਕਵਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥਾਲੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਆਦਕ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਮਹਾਦੇਵ ਪੁਨ ਕਰ ਚੱਲ ਆਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਆਦਕ ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਕ ਕੇ ਰੱਜਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਸਗਰੇ ਇੱਕ ਥਾਨਾ ਕਰੇ ਪਰਸਪਰ ਬਾਗ ਬਖਾਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕਹਾਂ ਕਰਿਓ ਨਹੀਂ ਆਇਓ ਕਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਵਿਰੋਧ ਉਠਾਇਓ। ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਗੁਰ ਤਾ ਕੋ ਕਰਿਓ ਸੁਨਾਥ। ਮੰਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਰ ਯਤਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਵੈ ਕਿਉਂ ਕਬ ਅਬ ਲਗ ਕਪਟ ਕਮਾਵੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਪਟ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
अब के बिछरियो मिले न ऐसे, आगे संतत रह न तैसे। जिस तरीके दे नाल पृथ्वी चंद सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी तो विछड़िया होया, लगदा है कि उसे तरीके दे नाल इहदी जिहड़ी संतान है ओह भी कदे गुरु घर दे नाल नहीं मिलेगी। नहीं कुछ समझी पा माती मंद, मिले उन्हां कैसे काज बिलंत। एक दूजे नूं कहिंदे ने कि वेखो कुछ भी समझ नहीं कीती पृथ्वी चंद, खोटी बुद्ध वाले ने बड़ा खुशियां दा मौका सी पर फिर भी सद्दा भेजने दे उत्ते नहीं आया। श्री अर्जन सब साथ बखानी, अग को करत रहो चल सानी। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने सारिया नूं आख्या कि अग करदा रहा है हमेशा कपट दे नाल। हर गोविंद के मारन कारण, करे अनक किया गुरु उबारन। मानो के सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने कि हर गोविंद नूं मारन दे वास्ते बड़े वड्डे वड्डे यतन कीते पृथ्वी चंद ने, अनेकां वार हर गोविंद नूं मारन दी साजिश रची, किया गुरु उबारन, पर गुरु दी कृपा दे नाल हर वारी हर गोविंद बच गए। तौ बेनती हमने कीन, नहीं मान्यो मन महामलीन। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने कि भावे किन्ना कुछ पृथ्वी चंद ने वादे वाला साडे नाल कीता, पर गुरु जी कहिंदे ने मैं फिर भी सारे गुस्से नूं त्याग के फिर बेनती दे नाल उहदे वल दास नूं कई वारी कल्या, पर नहीं मान्यो मन महामलीन, उहदा जिहड़ा मन है ना बड़ा मैला है, इस करके फिर भी नहीं मन्निया। तुरकन पास पुकारू गयो, कुछ न बसाए ता बैठत पयो। इथों तक के तुरकां दे बादशाह दे कोल उसने जाके पुकार कीती, पर बादशाह दे वल्लों भी उसनू ना हो गई, उहदा उत्थे भी कोई वस ना चलिया, तां हुण थोड़ा जिहा टेके बैठा है। लिख अरदास पठ्यो पकवान, पिख कह करो प्राण तिन हान। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी सारिया नूं दसदे ने कि हर गोविंद दा विआह सी, इस करके कहिंदे ने कि असीं अपने वल्लों एक अरदास दे रूप दे विच पृथ्वी चंद नूं चिट्ठी लिखी, इस तों इलावा मठियाई सिख दे हथ कली, पर कहिंदे ने उसने अगों वेख के मठियाई नूं ते सिख नूं इह आख्या, करो प्राण तिन हान, कि मैं गुरु अर्जन दे पुत्र दे विआह दे विच नहीं जाणा, मैं ते मानो के गुरु अर्जन दे प्राणा दा त्याया। अब ते हमने त्यागन करियो, मिलियो न मरने परने भरियो। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने अज तो लैके मैं भी उसनु त्याग दिता है, बहुता उसनु मनाउण दा खेड़ा नहीं करना, क्योंकि दुनिया दी रीति दे मुताबिक दो ही मिरन दे कारज हुंदे ने, एक हुंदा है मरना, एक हुंदा है परना। मरण तो पावे के किसी मर्ग दे उते, या फिर परने तो पावे खुशी दे मौके दे उते। कहिंदे ने कि खुशी दे मौके दे उते ते गमी दे मौके दे उते पहुंचना जरूरी बनता है, पर फिर भी खुशियां दे मौके ते वो नहीं पहुंचा, असीं हुण उहनूं मनाउण दी कदे जिद नहीं करनी। सुण को कर्म को सगरे निंदा, कपटी क्रोधी कलह बिंदा। सारे दे सारे उहदे कुकर्मां नूं तरकार दिंदे ने, उहदी निंदा करदे ने। जिहड़ा पृथ्वी चंद है बड़ा कपटी है, बड़ा क्रोधी है, मानो के कला दा मूल है। इते आदक बहु बातन करते, श्री अर्जन को जस उचरते। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरीके दे नाल एक पासे बहुतियां सारियां गल्लां दे नाल पृथ्वी चंद दी निंदा हुंदी है, ते दूसरे पासे सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दा जस हुंदा। पुन आहार सब हिन को दीनो, महादेव हित तार प्रवीनो। फिर सारिया नूं हार दिता गया है, महादेव जी जिहड़े कि हित नूं धारण करदे ने और बहुत ही ज्यादा प्रवीण ने, सियाणे ने। श्री अर्जन जुत मेल जे सारो, जाए करियो ते सदन आहारो। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे समेत जिन्ना भी मेल सी सारे ने मानो के जाके सदन दे विच आहार कीता, घर दे विच जाके प्रसाद पानी छके। दिन प्रति नई प्रीति उपजावे,
बिन जाने निस दियोस बितावे। दिन प्रतिदिन नवी नवी जिहड़ी प्रीत है वह पैदा हुंदी है। बिन जाने निस दियोस बितावे भाव के दिन ते रात बीतदे मालूम ही नहीं हुंदे कि किवें दिन ते रातां लंघदे जांदे। बासर पांच बेते ये सरीत साम कटका के जानस चीत। इसे तरीके दे नाल ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि पांच दिन बतीत हो गए साम कटका के जानत चीत। कहन तो भाव है कि पांच दिन एक घड़ी दे वांगू छेती लंघ गए। निज निज सदन जान को सारे होए कर बहु बेबसे उचारे। पंजां दिनां तों बाद आपो अपने घरां नूं जाण दे सारयां दे मन दे विच इच्छा पैदा होई। बस सनेह के गयो ना जावत निस दिन बस बे पूरी उमावत। मानो के बेबस ने घर नूं जाण दे वास्ते पर कहिंदे ने के जाया नहीं जांदा इन्ने ज्यादा प्रेम दे विच बेबल ने। वस्त्र विभूखण दे कर सोहन करे विसर्जन मोहरी मोहन। इस तों बाद सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने कीमती कपड़े ते कीमती गहने दे के मानो के मोहन जी नूं विसर्जन कीता है। सोने कपड़े ते गहने दे के संस राम के संग आनंद सब के ओर उपजाए आनंद। इस तो इलावा जेड़ा मोहन जी का साहबजादा संस राम है उदा भी सम्मान किया गया। इस तो इलावा जो मोहरी जी का पुत्र आनंद है उदा भी सत्कार किया गया। मानो के सारिया नू जथा योग जेड़ी भेटा है ना वो गुरु अर्जन ने दिती। तिम दातू को दीन सदात दारा सहत हरख तर गात। इसे तरीके दे नाल सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने दातू जी नूं भी दात दित्ती है भाव के बख्शिश कीती है। अपनी घरवाली दे समेत उन्हें खुशी नूं धारण करके वह प्रवान किया जो सतगुरां ने बख्शे। हर गोविंद संग कर कर प्यार मिले त्रिया गण बार बार। हुण जिहड़ा मेल गुरु घर दे विच आया होया सी उह आपो अपने घर दे वल वापस जा रहा है। हर गोविंद जी दे नाल लग लग के सारिया ने गले मिल मिल के प्यार किया। निज कर को गम ने मग माही श्री अर्जन को अदक सराही। सारे दे सारे सतगुरां तों बख्शिशां नूं प्राप्त करके आपो अपने घरां दे विच वापस परत रहे ने। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे वड्डे जस नूं बयान करदे जांदे। मृदल सुशील सनेह महाने वड्डे उदार ज्ञान गुणवाने। सारे दे सारे लोग यही कहिंदे ने कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी बड़े कोमल ने, सतगुरु सच्चे पातशाह जी बड़े सुशील ने और मानो के महान प्रेम दे नाल भरे हुए ने। वड्डे उदार ज्ञान गुणवान ने, वड्डे उदार ने, दयालु ने और बहुत ज्यादा ज्ञान दे विच प्रवीण ने। सब खडूर मैं उतरे जाई गोइंदवाल गए अगवाई। जिन्हां ने गोइंदवाल दे विच पहुंचना सी मोहन जी ने, मोहरी जी ने, संस राम ने और आनंद जी ने वह पहला खडूर दे विच टिके ने ते फिर उस तों बाद अगे गोइंदवाल पहुंचे। कृष्ण चंद तन वंती दो पिखत कुटंब हितु निज सो। इस तों इलावा जो कृष्ण चंद जी ने जिन्हां दी घरवाली धनवंती है भाव के जेड़े सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का सस ते सौरा ने पिखत कुटंब हितु निज सो वह मानो कि अपने कुटंब नूं हित दे नाल होर भी ज्यादा देखना चाहते हैं। अष्ट दिवस पाछे सो रहे हो बहुर चलन को चित में चाहियो। सारा मेल वापस चलिया गया पर कवि जी लिखते ने कि कृष्ण चंद ते धनवंती अठ दिन होर भी सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे घर दे विच टिके। बहुर चलन को चित में चाहियो अठां दिनां तों बाद फिर चलन दी चाह कीती।
ब्याह दोहते को हर खाना, खर्चो टिगते दरब महाना। क्योंकि कृष्ण चंद जी दे दोते दा व्याह सी, हर गोविंद जी दा व्याह सी, इस करके मानो के नानकियां वाले पासे तो बहुता सारा जरा व्याह दा खर्च सी ना, वह उठाया गया। व्याह दे विच बहुत सारे पैसे कृष्ण चंद ने खर्च किते। करियो जथो चित तबै विसर्जन, पायो स्नेह अच्छे है दोहन मन। फिर सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने जथाचित उन्हां नूं भी विसर्जन किया है, उन्हां नूं भी विदा किया है। पायो स्नेह अच्छे दोहन मन, दोहां दे मन दे विच ना टुटन वाला जरा प्रेम है ना, वो होया। मिल पुत्री संग बारह बारी, मौके और चले सुखतारी। अपनी पुत्री भाव के गंगा नू बार बार दोवे दे दोवे मिले ने। मौ की ओर चले सुखतारी, मौ पिंड से जिथे उन्होंने जाना से सुख नू तारण करके मौ पिंड दे वाले चले गए। अपर सिख संगत जे आए, जथा योग सब विदा कराए। होर भी सिख संगत जड़ी आई सी, यथा योग सारिया नू सतगुरां ने विदा किया। उत्सव एह ब्याह को होवा, पठै सुने सिख तिन दुख खोवा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरीके दे नाल व्याह दा जिहड़ा उत्सव सी वह होया। जिहड़ा भी पढ़ेगा, जिहड़ा भी सुनेगा इस ग्रंथ नूं, इस कथा नूं, कवि जी लिखते ने तिन दुख खोवा, उन्हां दे दुख दूर होणगे। इस जगह दे उत्ते कवि जी अपने अध्याय की समाप्ति करके नवे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। श्री गोरे मसुत ब्याह के, लीनो सो जास बिलंद। अजाचक जह कह कहत पे, देश बदेशन ब्रिंद। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरीके दे नाल सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने अपने पुत्र दे व्याह नूं पूरा कीता। जिहड़े जाचक ने उन्हां ने बहुत तरह दे दान मंगे देशां विदेशां दे विच। फिर सतगुरां दे इस सुजस दी धुम पई। लोक हजारों उत्सव देखा, सब हिन को पा मोद वशेखा। हजारां ही लोकां दी भीड़ ने इस व्याह दे उत्सव नूं देखिया सी, इस करके सारिआं दे मन दे विच बहुत ही ज्यादा खुशी हुई सी। जित कित देश गयो चल जोई, ब्याह कथा को पाखत सोई। जेड़ा जेड़ा जिथे जिथे भी व्याह दे समागम नूं देख के गया, उथे उथे जाके उन्हें व्याह दी कथा नूं आख्या और जस बयान कीता। अपर प्रसंग हटी जो सगाई, इस ते पी कह गुरु अडे आई। एक पासे व्याह दीआं गल्लां नूं करदे ने जिथे भी लोग जांदे ने, ते दूसरे पासे चंदू दी लड़की दी जिहड़ी मंगणी सी, जड़ी के मोड़ दिती सी, उसदी भी मानो के गल हर एक जगह दे उते चलदी। आज शाह को महा दीवान, जिसकी मन आन जहान। लोग कहिंदे ने कि अज दे समय दे उते वड्डे जहांगीर बादशाह दा वड्डा दीवान है, मंत्री है चंदू, जिदी आन नूं इहनूं सारा जहान मंनदा। फेर ओ तिसी सुता को नाता, कह बहु रहियो न मानी बाता। मानो के लोग इस गल नूं प्रगट करदे ने कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी बेफिकर ने, निडर ने, मानो के वड्डे बादशाह दे वड्डे वजीर तो भी ना डरे। जेकर संगत ने कह दिता कि चंदू दी लड़की दा रिश्ता नहीं लैणा, ते सतगुरां ने ना कर दिते, बहुत ही वारी उन्हां ने मनाउण दी कोशिश कीती, ना मानी बाता, पर सतगुरां ने गल ओ ना मन्नी। एक बेर पठाए लागी, नहीं लीन चित चिंता जागी। एक दो बार लागियां नूं चंदू ने कल्या, पर सतगुरां ने उस मंगणी नूं प्रवान ना कीता, ते चंदू दे मन दे विच चिंता जागी। दरब देन को कहियो कनेरो, करो काज मैं शाह सुनेरो। इथों तक के चंदू ने आख्या के बहुते सारे मैं पैसे देवांगा, बड़ी माया देवांगा, और इस तो इलावा बादशाह दे कोलों हर एक तुहाडे काम सवारांगा। तउ न मानी अर्जन मन मानी, जान्यो मोड़ महा मन मानी। पर तां वी सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने
चंदू दी गल नूं नहीं मन्निया क्योंकि जाणिया कि चंदू मूर्ख दे वड्डा अभिमानी है, वड्डा हंकारी है। कर हंकार जो बोल बिगारी, सिखण पणे लिखी गुरगारी। मानो के हंकार नूं तारण करके जिहड़ियां गल्लां चंदू ने आखियां सन, सिखां नूं गल्लां ना चंगियां लगियां। इस तरह लग्या कि मानो चंदू ने सतगुरां नूं जिवें गालां कढ़ियां होण। करियो अनादर नीच समाना, मान महान ठान्यो माना। मानो के सतगुरां दा अनादर कीता, हंकार नूं तारण करके अपने आप दी वड्याई कीती। कुल खतरीन जहां कह जोई, हान पई चंदू की सोई। मानो के खतरियां दे कुल दे विच जिथे ते किथे चंदू दी हानि हुई। दिल्ली लवपुर आदिक सारे कहे बिचारे, सार सारे दिल्ली दे विच, लाहौर दे विच, इस तरह हर एक जगह दे उते इस तरह दियां सत ते असत दियां विचारां हुंदियां। सिख संगत भेजी अरदास, तेनू कही मानी लखदास। दिल्ली दी सिख संगत ने अरदास कर ली, उस बेनती नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने प्रवान कीता। ते फिर की कीता, सो कह रहे हो फिरे नहीं फेरे, सुत के अपर थान किए फेरे। वो बड़े वार फिरे मनाउण दे वास्ते पर नहीं फेरे, सतगुरु जी उस गल तो ना फिरे ना टले। सुत के अपर थान किए फेरे, अपने पुत्र दे जिहड़े फेरे सी, जिहड़ा व्याह सी ना, वह किसी होर जगह दे उत्ते कीता। इस तरीके दे नाल जगह जगह दे उत्ते लोग गल्लां करदे ने। इस जगह दे उत्ते कथा की समाप्ति है, समा समाप्त हो चुका है। कल नूं ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी जिस तरह अगली कथा नूं अगे बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रज़ा होवेगी उसे तरह वरतेगी। अजिहियां ही अर्जा करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तों खिमा दा वचन। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी हो वनहार, हे संत के सदा संग ने धाराया धार। हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजे नाम दान राखो ही है परोय। याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादस गुरिंड को मेरी है प्रणाम।